हम आज लेंगे श्लोक संख्या 37 37। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। कामेश क्रोधेश कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विदध्येनम् इहि वैरिणम्। अब हम इसके शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। हाँ, श्री भगवान मीन्स भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने क्या कहा है? काम एषा, काम मतलब विषय वासना, एषा ये, क्रोध एषा क्रोध क्रोध एंगर, एषा ये रजोगुण रजोगुण से समुद्भवः उत्पन्न, महाशनः सर्वभक्षी, महापाप्मा महान पापी, विधि जानो एनम इसे इस संसार में, वैरिणम महान शत्रु। भगवान इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने यहाँ कही है। तो श्री भगवान ने कहा, क्या कहा श्री भगवान ने? श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। पिछले श्लोक में जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं कि इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। रजोगुण के कारण जो कामना उत्पन्न होती है, जो वासना उत्पन्न होती है, जो अटैचमेंट उत्पन्न होता है, जो लगाव उत्पन्न होता है, वो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, सबका भक्षण कर लेता है, सबको अपने आप में हजम कर लेता है, ऐसा ये महान पापी शत्रु है। कौन? क्रोध। और क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि रजोगुण के संपर्क में आने से जीव को काम उत्पन्न हो जाता है, कामना उत्पन्न हो जाती है, वासना उत्पन्न हो जाती है। पिछले 36वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हे वृष्णिवंशी, वार्ष्णेय वंश के हे श्री कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? पाप कर्म क्यों करना चाहता है वो ना चाहते हुए भी? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है, ऐसा अर्जुन ने संदेह किया था। तो भगवान अब उसका उत्तर दे रहे हैं कि अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। जो काम भावनाएँ हैं, जो कामनाएँ हैं, जो हमारी इच्छाएँ हैं, वो रजोगुण और तमोगुण के संपर्क में आकर वो बहुत ही भयानक रूप ले लेती हैं, और इनसे बाद में क्रोध उत्पन्न होता है। और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, मतलब सबसे बड़ा सबसे भयानक जो शत्रु है वो यही है। हमें इस शत्रु से दूर रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पर भगवान हमें बता रहे हैं। तात्पर्य हम समझेंगे, तात्पर्य परपर्ट वाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, दो प्रकार की सृष्टियां हैं, एक आध्यात्मिक सृष्टि है और एक भौतिक सृष्टि है। तो जब जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है। जो जीवात्मा है, मूल रूप से उसके अंदर कृष्ण प्रेम है, शाश्वत कृष्ण प्रेम है, और वो शाश्वत कृष्ण प्रेम जो है भौतिक गुणों के संपर्क में आने के कारण, जैसे कि रजोगुण तमोगुण है, इनके संपर्क में आने के कारण वो कामना में परिणित हो जाता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने के बजाय हम दूसरे जीवों से प्रेम करने लगते हैं, दूसरी चीजों से प्रेम करने लगते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते। जबकि इस भौतिक सृष्टि में आने से पहले इस जीवात्मा का जो मूल गुण क्या था, वो गुण था कि आप कृष्ण से प्रेम करें, जो सर्वोच्च भगवान है आप उनसे प्रेम करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, भौतिक गुणों के संपर्क में आने के कारण ये जो प्रेम है वो बदल जाता है संगति के कारण। और जब बदल जाता है तो किससे प्रेम होने लगता है? जो भौतिक जीव है, जो भौतिक सामग्री है, भौतिक सामान है, भौतिक सुविधाएं हैं, भौतिक पद हैं, उनसे हमें प्रेम हो जाता है और
हमारा जो शाश्वत प्रेम है, कृष्ण प्रेम, वो समाप्त हो जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली से, संसर्ग से दूध में, दूध दही में बदल जाता है। देखिए यहाँ कितनी अच्छी एनालॉजी दी है प्रभुपाद ने। दूध में थोड़ा सा भी खट्टा डाल दो तो क्या वो दही बन जाता है? क्या हुआ? दूध तो शाश्वत शुद्ध था, लेकिन उसको संसर्ग मिला, इमली का थोड़ा सा संसर्ग मिला। आप देखो कितना अंश भर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर दूध क्यों ना हो, अंश भर उसमें अगर हम खट्टापन मिला दें तो वो दूध को दही बना देता है, उसका स्वरूप ही बदल देता है। इसी तरह से हम जीवात्माओं का भौतिक सृष्टि में आने के बाद जब रजोगुण और तमोगुण से संपर्क होता है तो हमारा स्वरूप बदल जाता है। हमारा जो मूल स्वरूप है वो खत्म हो जाता है। मूल स्वरूप क्या है? कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण के दास के रूप में उनकी सेवा करना। लेकिन वो सब बदल जाता है, कुछ नहीं रहता, हम दूध का दही बन जाते हैं। तो जिस तरह इमली से, संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती है तो ये क्रोध में परिणित हो जाता है। और ऐसे जब हम बदल जाते हैं तो बदल जाने के बाद हमारी कामनाओं की अगर पूर्ति नहीं होती है तो हमें क्रोध आने लगता है। अरे ये काम कैसे नहीं हुआ, मैंने इतना खर्चा किया, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन वो काम नहीं हुआ, तो हमें क्रोध आने लगता है। तो जब ये क्रोध होता है तो क्रोध मोह में बदल जाता है, हमें अट्रैक्शन हो जाता है चीज़ों से, हम पागल हो जाते हैं, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। फिर हम उस मोह से निकल नहीं पाते, हमें वो इस संसार में घुमाता ही रहता है, घुमाता ही रहता है। तो काम, क्रोध और मोह, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर प्रभावित कर रही हैं हमें। किसको प्रभावित कर रही हैं? जीवात्मा को। क्यों प्रभावित कर रही है? क्योंकि हम भौतिक सृष्टि के संपर्क में हैं, और जो भौतिक प्रकृति के गुण हैं उनसे हम प्रभावित हैं। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, कामना है, और ये कामना ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा विशुद्ध है लेकिन उसको फंसा के रखा है। किसने फंसा के रखा है? कामना ने, हमारी इच्छाओं ने। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। जब हमें क्रोध आ जाता है, हम रजोगुण से चले आगे तमोगुण में आ गए, तो तमोगुण में हमें क्रोध आ गया, ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। रजोगुण और तमोगुण में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि उस समय पर जो व्यक्ति इनसे प्रभावित होता है, जो जीवात्मा इनसे प्रभावित होती है, उसमें वो गुण दिखाई देते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। ये वाक्य पर ध्यान दीजिए, आध्यात्मिक आसक्ति से, मतलब भगवान में लगाव रखने से, भगवान में आसक्ति रखने से, भगवान की सेवा करने से, उस जीवात्मा को पतित होने से, गिरने से बचाया जा सकता है। कैसे? अगर रजोगुण और तमोगुण से उसको दूर रखा जाए, रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा, मतलब उसका जो जीवन यापन है, जो रहना है और जो उसका कार्य करना है, उन दोनों चीज़ों में अगर रजोगुण और तमोगुण को प्रवेश ना करने दिया जाए और उसे सतोगुण की तरफ ले जाया जाए जीवात्मा को, तो उसको आध्यात्मिक आसक्ति लगाकर उसको हम बचा सकते हैं, पतित होने से बचा सकते हैं, उसको मलिन होने से बचा सकते हैं। तो ये प्रयास करना आवश्यक है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया। हम सब भगवान का स्वरूप हैं, भगवान परमात्मा हैं और हम आत्मा हैं। तो अपना जो उनका चिदानंद स्वरूप है, वो स्वरूप भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे अपने रूप बना लिए। जो हम सब जीव आत्माएं हैं, वो सब हम उनके ही स्वरूप हैं, हम उनके स्वरूप होने के कारण उनके ही जैसे हैं, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं, हम सब उनके अंश हैं। तो हमें हम में भगवान के गुण ही होने चाहिए, लेकिन भगवान तो आध्यात्मिक लोक में बैठे हुए हैं, हम इस पृथ्वी लोक में बैठे हुए हैं, जो भौतिक जीवन जहाँ पर है, भौतिक गुणों का संपर्क है जहाँ पर, और वो भौतिक गुणों का संपर्क हमारे लिए बहुत ही दुर्दशा का कारण बना हुआ है। हमें उस दुर्दशा के कारण को समाप्त करना है। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। भगवान तो स्वतंत्र हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन जो जीवात्माएं हैं, जो उनके अंश हैं, चिदानंद के अंश हैं,
उनको भी आंशिक पार्शियल स्वतंत्रता प्राप्त है। अपनी स्वीट विल से आप कुछ भी कर सकते हैं। भगवान चाहते नहीं हैं फिर भी वो काम आप कर लेते हैं, क्योंकि आपकी स्वीट विल है, आपकी इच्छा है, तो आंशिक स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। इसीलिए अगर वो आप अपनी इच्छा से कोई कार्य करते हैं, भगवान की उसमें इच्छा नहीं है, तो उनके जो कर्मफल लगते हैं वो आपको भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अगर भगवान की इच्छा से, भगवान के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं, तो उनके कर्मफल भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके, जो स्वतंत्रता जीव को दी गई है उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं, जो सेवा करनी चाहिए भगवान की वो सेवा ना करके हम इंद्रिय सुख में बदल लेते हैं, उसे हम अपने इंद्रिय सुख के लिए करते हैं, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, अपनी कामेच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए करते हैं, तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। वो जीवात्माएँ जो हैं, ऐसी जीवात्माएँ काम की चपेट में आ जाती हैं और फिर वो वहाँ से निकल नहीं पाती। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। भगवान ने ये सृष्टि की रचना क्यों की है? भगवान ने ये सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति है। तो जो कामपूर्ण रुचियां हैं ना, जो इंटरेस्ट हैं आदमी के, जो जीवों के कामना पूर्वक, अभिलाषा पूर्वक, इच्छा पूर्वक जो रुचियां हैं, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए सृष्टि की रचना की, ताकि तुम इस सृष्टि में बैठकर पृथ्वी लोक में जाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सको। लेकिन ये तो नहीं कहा कि भौतिक बंधनों में इतने बंध जाओ कि तुम मुझे बिल्कुल भूल जाओ। अब भगवान को ये जीव जन्म लेने के बाद से, जन्म लेने के पहले तक तो याद रखता है, लेकिन जन्म लेने के बाद जैसे ही उसका जन्म होता है उसके बाद वो उसे भूल जाता है, और धीरे 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 करके ज्यों ज्यों उसकी आयु बढ़ती जाती है वो भूलता ही चला जाता है, उसको याद नहीं रखता भगवान के लिए। जिस भगवान ने उसे जन्म दिया है उसको वो भूल जाता है, उसने जिस भगवान ने उसे सृष्टि में भेजा है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, वो उन्हें भूल जाता है। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं, जब वो काम कर्मों में पूरी तरह डूबी रहती हैं और ऊब जाती हैं, तभी लोगों को महसूस होता है, 50 साल हो गए, 45 साल हो गए, 60 साल हो गए, तब उन्हें ध्यान आता है कि अरे हम कहाँ, किस दुविधा में पड़े हुए हैं, हम भगवान का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, हम मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं, हम भगवान की सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। तो वो अपना वास्तविक स्वरूप जाने, हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है इस पृथ्वी पर आने के लिए, हमें जो ये मानव देह मिली है इसका उद्देश्य क्या है, भगवान ने हमें क्यों भेजा है, तब वो ये जिज्ञासा करने लगती हैं। और जब वो ये जिज्ञासा करती हैं तब समय काफ़ी कम बचा हुआ होता है, और जब काफ़ी कम समय बचा हुआ होता है तो क्या होता है, आदमी तकलीफ़ में रहता है, आदमी तकलीफ़ में आ जाता है, क्योंकि जो हमने पहले भी चर्चा की है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसको घेरे रहती हैं, उस समय वो भगवान को याद करने के लिए जिज्ञासा करता है। तो भगवान खुद कहते हैं कि श्लोक में, मेरे पास कौन चार लोग आते हैं, चार प्रकृति के लोग आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मतलब जो दुखी हैं, अर्थार्थी जिनको धन चाहिए, जिज्ञासु जिनको कि ज्ञान चाहिए, और ज्ञानी जो ज्ञानवान अपने आप को मानते हैं। ये चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, तो हमें कौन से प्रकार के रूप में भगवान के पास जाना है वो हमें निर्णय करना है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें ये कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। परम तत्व क्या है, सर्वोच्च भगवान क्या है, ये हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। और ये जिज्ञासा हम नहीं करते हैं तो हम भगवान को भूले बैठे हुए हैं। इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्मादेयस्य यतो अन्वयादितरश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है। सारी वस्तुओं का उद्गम कौन है, सर्वोच्च भगवान है। अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से ही हुआ है, ये कामनाएं जो हैं वो भी वहीं से आई हैं, भगवान से ही आई हैं। लेकिन भगवान ने जो हमें फ्री विल दिया हुआ है, जो स्वीट विल दिया हुआ है, उससे हमें निर्णय करने की क्षमता दी हुई है। हम निर्णय भगवान के पक्ष में नहीं करते हैं, हम कामनाओं के पक्ष में निर्णय कर लेते हैं, फिर हम भुगतते हैं, हमें तकलीफ होती है, हम दुख में पड़ते हैं। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो,
तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। हमारा काम जो है और क्रोध दोनों आध्यात्मिक बन जाएंगे। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि अगर हम इन चीज़ों को भगवान की तरफ मोड़ दें, हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, इनको हम भगवान की तरफ मोड़ दें, तो हमारी कामना और फिर उत्पन्न हुआ क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? देखिए, एक बहुत बड़ी एनालॉजी यहाँ और दी है उन्होंने। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने अभी तक दो एनालॉजी दी है। एक तो शुरू में दिया दूध और दही का, और अभी दे रहे हैं वो हनुमान जी का। देखिए, भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की सोने की लंका को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया। रावण के लिए वो बहुत ही भयानक परिणाम देने वाला कार्य था। हनुमान के लिए वही काम अपने स्वामी की सेवा करने का काम था, और राम के लिए वो काम उनके शिष्य या उनके दास के रूप में की गई सेवा को स्वीकार करने का काम था। तो भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण के सोने की लंका को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया। क्रोध, कितने क्रोधित थे वो उस समय कि तू माँ सीता को यहाँ लेकर बैठा हुआ है, मुझे उनको ले जाने नहीं दे रहा है। किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। क्यों उन्होंने किया? उनके उसके पीछे जो उद्देश्य था वो सतोगुणी उद्देश्य था, वो रजोगुणी या तमोगुणी उद्देश्य नहीं था। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। हनुमान ने वो कार्य किया जो रावण की लंका जलाकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए कि मैंने लंका जला दी है, अभी सीता मैया मुक्त करा के मैं लेकर आ रहा हूँ। तो इस तरीके की जो चीज़ है, काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तो हम काम और क्रोध, अगर हमें क्रोध भी आ रहा है तो भगवान के लिए आए ना, अपने लिए या किसी दूसरे के लिए आने की आवश्यकता नहीं है उसको। अपने लिए या दूसरों के लिए आएगा तो वो तमोगुणी और रजोगुणी होगा। लेकिन हम भगवान के किसी उद्देश्य के लिए अगर क्रोध करते हैं, मान लीजिए कि एक भक्त दूसरे भक्त को डांटता है कि तुम 16 माला ठीक से जप नहीं करते हो, तो मंदिर में सुबह आरती के लिए नहीं आते हो, तो वो क्रोध करना ठीक है, क्योंकि वो उस भक्त को भगवान की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन वो उसने उसके साथ कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया है, तो वो कहता है कि तुमने मेरे लिए गलत राय दी, मेरा 2 लाख रुपये डूब गया, इसलिए वो क्रोध करता है। तो वो क्रोध कौन सा है? वो रजोगुणी और तमोगुणी है। वो क्रोध सतोगुणी नहीं है जो कि भगवान की ओर लेकर जा रहा हो, ऐसा नहीं है। ये क्रोध जो है उसके अपने लाभ के लिए है, अपने परिवार के लाभ के लिए है, अपने समाज के लाभ के लिए है, भगवान का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से हम ये समझने का प्रयास करें कि ये जो काम, क्रोध और लोभ हैं, हमें कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं और कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। अभी इस बात को अगर हम और थोड़ा व्याख्या में देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि रजोगुणा समद्भवा जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये जो रजोगुणा समद्भवा है, आगे इसी श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान कहेंगे, क्या कहेंगे कि तृष्णा और आसक्ति, ये दोनों चीज़ें, आसक्ति मतलब कामना, तृष्णा मतलब डिज़ायरनेस, हमारी डिज़ायर, इन दोनों से रजोगुण उत्पन्न होता है। और यहाँ भगवान क्या कहते हैं? यहाँ भगवान कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, रजोगुण से कामना उत्पन्न होती है। तो अगर मोटे तौर पर देखें तो ये तीनों चीज़ें एक जैसी ही हैं। इससे हमें ये समझना चाहिए कि राग, राग जो अटैचमेंट है ना, इससे काम उत्पन्न होता है, कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और कामनाओं से राग उत्पन्न होता है, दोनों एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। अथवा आसक्ति बढ़ती है, हमें अटैचमेंट होता है। तात्पर्य ये है कि सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है। जो सांसारिक पदार्थ है ना, भौतिक सुविधाएं हैं, इनसे अगर हम अपना अटैचमेंट रखेंगे तो क्या होता है, हमें वासनाएं उत्पन्न होती हैं, हम तमोगुण में चले जाते हैं, जिससे अंतःकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है। हमारे अंदर से हमें उन चीज़ों के प्रति लगाव हो जाता है, जिन चीज़ जो नाशवान चीज़ें हैं, जो नश्वर चीज़ें हैं, उनसे हमें लगाव हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का हम संग्रह करने लगते हैं, वही सामान हम जुटाते हैं, घर में ये ले आओ, वो ले आओ, फलाना ले आओ, ढिकाना ले आओ, सब चीज़ ले आओ, लेकिन वो सब नश्वर है, नाशवान है, ख़त्म हो जाने वाली हैं,
हमारे साथ जाने वाली नहीं है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने से और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है। टीवी लगा दिया तो बड़े बड़े सीरियल देखें, एसी लगा दिया तो ठंडी हवा लें, अच्छा घर बना दिया तो उसमें ये भी लें वो भी लें बहुत सारी चीज़ें लें। तो इन चीज़ों की पुनः पुनः कामना करने से क्या होता है, हमारा अटैचमेंट बढ़ता है और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक पाप कर्म से हम सर्वथा विमुक्त नहीं हो जाते। हम पाप कर्मों से विमुक्त हो ही नहीं सकते क्योंकि हम तो रजोगुण और तमोगुण के चक्कर में फंस चुके हैं। तो रजोगुण समुद्भवा, और दूसरा जो यहाँ पर शब्द है काम एष क्रोध एष, हाँ काम एष क्रोध एष, मेरी मनचाही जो इच्छा हो वही हो, हर आदमी ये चाहता है, जो मैं चाहता हूँ वही हो, और वो नहीं होता है तो फिर क्रोध होता है। देखा है ना आप लोगों ने सभी ने, आम जीवन में ये चीज़ देखने को आती है कि अगर हमारा मनचाहा नहीं होता है तो हम क्रोध करने लगते हैं। तो ये जो विनष्ट होने वाली चीज़ें हैं, विनाश होने वाली चीज़ें हैं, इन पदार्थों की संग्रह की इच्छा या संयोग से कोई सुख लेने की इच्छा, इन पदार्थों से कोई सुख लेने की इच्छा, ये सब काम के ही रूप हैं, कामनाओं के रूप हैं, और इनसे हमारी आसक्ति बढ़ती है। तो पाप कर्म जो हम करते हैं वो कहीं तो काम के वशीभूत होकर होता है और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर होता है, जैसे मैंने अभी दो उदाहरण बताए। तो हमें कामना में बाधा लगने पर क्या होता है, क्रोध आने लगता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, तो कामना से क्रोध उत्पन्न हुआ। तो कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है, क्रोध होता है और लोभ भी होता है। एक बार अगर पूर्ति हो गई तो हमें लोभ होता है, हमें और ज़्यादा मिलना चाहिए। पूर्ति नहीं हुई तो हमें क्रोध होता है। तो कामना के दो वेरिएंट हो गए, क्या क्या हो गए, क्रोध और लोभ। और कामना में बाधा पहुंचाने पर, बाधा पहुंचाने वाले पर हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध होता है कि तूने ऐसा क्यों किया, मेरा काम बिगड़ गया। यदि बाधा पहुंचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो क्या होता है, अगर वो जो बाधा पहुंचा रहा है हमारी कामना पूरी नहीं होने दे रहा है, वो अगर हमसे बलवान है तो हमें उससे भय होने लगता है। तो काम क्रोध लोभ और भय, और अगर वो हमसे अधिक बलशाली नहीं है तो क्या होता है, तो हमें उससे शत्रुता हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भगवद् गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ साथ भय की भी बात कही गई है। तो काम क्रोध लोभ भय, ऐसे जैसे कि अध्याय संख्या 4 के श्लोक संख्या 10 में भगवान कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भाव आगता। इसके अर्थ में भगवान ने अर्जुन को कहा है कि आसक्ति, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर, हाँ वीत राग भय क्रोध, आसक्ति भय और रोग क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर बैठो, हाँ मुझमें पूरी तरह से अपना मन लगा लो और मेरी शरण में आकर। बहुत से व्यक्ति भूतकाल में पहले के समय में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, इसलिए तुम ये समझ लो कि जब तक तुम मेरे लिए समर्पित नहीं होगे तब तक तुम्हारा पवित्रीकरण नहीं होगा, तुम पवित्र नहीं हो सकते हो। इस प्रकार से उन लोगों ने जो भूतकाल में मेरे संपर्क में आए हैं मेरे प्रति अपने दिव्य प्रेम को प्रकट किया है। भगवान ने यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है, मदभावम आगतः, मेरे लिए समर्पित हो जाओ, मेरा दिव्य प्रेम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरे संपर्क में आ जाओगे, मेरे लिए समर्पित हो जाओगे। तो कामना जो है वो संपूर्ण पापों की जननी है, संतापों की जननी है, दुखों की जननी है। जो संताप हैं, पाप हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, तकलीफें हैं, वो सब कामनाओं से ही पैदा होते हैं, इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। कामना वाले व्यक्ति को जगते हुए सुख मिलना तो दूर रहा है, उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। मतलब जगते हुए सुख मिलना मतलब उसे भौतिक संसार में, भौतिक देह के भोग में उसे सुख मिले, ये तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हमेशा वो तकलीफ में रहता है, परेशान ही रहता है। उसको 4 लाख का इंजाम हो गया तो वो 14 लाख की सोचता है, 14 लाख का इंजाम हो गया तो वो 24 लाख की सोचता है। उसको एक पुत्र हो गया तो वो 2 पुत्रों की सोचता है, उसको एक घर हो गया तो वो 4 घरों की बात सोचता है।
उसको एक बाइक हो गई तो वो एक कार की बात सोचता है, एक कार की बात हो गई तो वो और दूसरी बड़ी कार की बात सोचता है, इसलिए वो हमेशा दुख में ही रहता है। तो उसे स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता है, क्योंकि स्वप्न तो तब आएंगे जब नींद आएगी, नींद उसे आती नहीं है तकलीफ के कारण। वो तो बहुत ज़्यादा पशुपेश में पड़ा हुआ है, कामनाओं में डूबा हुआ है। तो जो चाहते हैं वो ना हो और जो नहीं चाहते हैं वो हो जाए तो क्या होता है, इसी को दुख कहते हैं, इसी को तकलीफ कहते हैं। यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दें, अगर हम जो हमें हमारी इच्छाएं हैं और अनिच्छाएं हैं इनको अगर हम छोड़ दें तो फिर दुख है ही कहाँ, दुख तो फिर ख़त्म हो गया। क्योंकि नाशवान पदार्थों की इच्छा, जो नाश होने वाले पदार्थ हैं ना, जो हम भौतिक पदार्थ इकट्ठे करते हैं, इनकी कामना ही क्या कहलाती है, हमारे लिए तकलीफ़ का कारण है। इन चीज़ों की कामना करना ही हमारे लिए तकलीफ़ का कारण है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि इन चीज़ों के लिए हम कामना ना करें जो कि नाशवान हैं, नश्वर हैं, हमारे तकलीफ़ का सबसे बड़ा कारण यही है। लेकिन जो चीज़ शाश्वत है, नश्वर नहीं है, भगवान का दिव्य प्रेम, उसकी हम कामना करें, उसको हम भूल बैठे हुए हैं, उसकी हम कामना नहीं करते हैं। तो भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब छोड़ दो, और इनसे छोड़ने के बाद आप हमारी तरफ अपना ध्यान लगाओ और हमको अपने आप को समर्पित कर दो, तभी आप ये सर्वभक्षी जो पापी शत्रु है इससे आपको मुक्ति मिल पाएगी, अन्यथा ये आपको खा जाएगा। क्योंकि क्रोध जो है ना वो दीमक की तरह से लगा रहता है, दीमक की तरह से आपके शरीर को लग जाता है, आपके मन को लग जाता है, आपकी बुद्धि को लग जाता है, और फिर वो आपको खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, और जब वो खाता रहता है तो एक दिन आपको ख़त्म कर देता है। कोई भी क्रोधी व्यक्ति जो है, आपको ऐसा नहीं मिला होगा जो कि 100 साल जिया हो, 90 साल जिया हो, 80 साल जिया हो, क्रोध उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसके अंदर के तंतु अपने आप से जलने लगते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, और काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, माया, इन सब से दूर रहना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहकर भगवान का नाम ले सकते हैं और भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel and for getting updates, press the bell icon.